फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए बहुत बड़ा दिन आने वाला है, यानी क्वार्टर फोर का रिजल्ट जो 15 मई को आने वाला है। और उसके पहले ही स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बन चुकी है, करीब 10% के आसपास तेज़ी बनी और यहाँ से ज़बरदस्त पॉजिटिव सिग्नल बन रहे, क्योंकि ट्राइडेंट लिमिटेड ने कहा है कि वो डिविडेंड भी देने वाले हैं। तो इस बार बड़े डिविडेंड की संभावना बन रही है और साथ में रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आने की संभावना बन रही है और इस वजह से भयंकर तेज़ी की संभावना बन रही है। तो आगे कितनी तेज़ी इसमें बन सकती है, क्या बोल रहे हैं इसके टेक्निकल लेवल और क्या इस लेवल पर आप खरीदारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो इसकी प्राइस है वो 15 के ऊपर चली गई है वापस। तो यहाँ से भयंकर तेज़ी की क्या संभावना बन रही है या फिर वापस नीचे आ सकता है स्टॉक, क्योंकि काफ़ी समय से स्टॉक 14 के आसपास ट्रेड कर रहा था और उस समय मैंने आपको खरीदारी की सलाह दी थी। मैंने आपको बोला था कि 13.50 से लेके 14 के आसपास आपको इसको मैं खरीदारी करनी चाहिए, ये बहुत जल्द बहुत ज़बरदस्त तेज़ी इसमें आने वाली है और बड़ी संभावना इसमें बन रही है। तो अब सारी संभावना तलाशेंगे, साथ में फ्रेंड्स लोगों का रुझान कैसा है स्टॉक को लेकर, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है ट्राइडेंट लिमिटेड को एक बेस्ट पेनी स्टॉक कहा जाता है हमारे पूरे बाजार का। लेकिन अब इसकी प्राइस बढ़ चुकी है, ये अब पेनी स्टॉक नहीं रहा है क्योंकि इसकी प्राइस ऑलरेडी 10 के पार हो चुकी है और वैसे भी ये स्प्लिट होने की वजह से इसकी प्राइस कम थी, वरना ऑलरेडी इसकी प्राइस तो पहले ज़्यादा थी। लेकिन फिर भी जो प्राइस देखी जाती है हमारे यहाँ 10 से नीचे होता है, भले उसकी फेस वैल्यू कम हो लेकिन उसकी प्राइस अगर 10 से नीचे है तो उसको हम पेनी स्टॉक ही बोलते हैं। तो वो एक पेनी स्टॉक की श्रेणी से अब बाहर निकल चुका है, इसकी प्राइस ऑलरेडी 10 से बाहर हो चुकी है। तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा मजबूत लग रहा है स्टॉक और इसका जो कंपनी का कारोबार है उस हिसाब से निवेश के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है स्टॉक। तो आगे सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से हम तलाशेंगे और कैसा रिजल्ट रह सकता है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स जब ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक की प्राइस 5 से 6 रुपये के आसपास थी, तब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ट्राइडेंट लिमिटेड में आप निवेश कीजिए और जिसने भी भरोसा किया उन्होंने निवेश किया, उनको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला। स्टॉक ने अच्छी खासी तेज़ी भी बताई, करीब ये 16 रुपीज के आसपास जाके आ चुका है और काफ़ी समय से ये एक ही जगह पे स्ट्रगल कर रहा था, अपने करेक्शन के दौर में था स्टॉक और वहाँ से अब ये फिर से नई संभावनाएं तलाशने लगा है क्योंकि क्वार्टर फोर का रिजल्ट आने वाला है। और ट्राइडेंट लिमिटेड की एक बात हम पहले से जानते हैं कि जब इसमें तेज़ी बनती है तो बहुत एक झटके में बनती है, नहीं तो काफ़ी समय तक स्टॉक एक ही जगह पर ट्रेड करता है, लेकिन जब माहौल इसमें बन जाता है तो भी भयंकर तेज़ी आ जाती है। तो ऐसा ही माहौल फिर से बनने लगा है, तो यहाँ से अब बड़ी तेज़ी की संभावना बन रही है। एक बार हम कल के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक 14.05 पर ओपन हुआ, इसने हाई बनाई 15.25 की और लो में था ये 14.05 के, यानी कल भी ये 14 रुपये के आसपास था और वहाँ से एक तरफा इसमें तेज़ी बनी है और ये 15.25 तक पहुँचा, यानी 9.71% की तेज़ी बनी है, बहुत बड़ी तेज़ी बनी है। जबकि इस दौरान बाज़ार में कोई बड़ी तेज़ी नहीं थी, उसके बावजूद भी भयंकर तेज़ी बनी है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात, बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है पूरे बाज़ार के अंदर। वॉल्यूम के मामले में ये 8 नंबर पर आ चुका है, शानदार इसमें वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है और डिलीवरी बेस्ड काम भी बहुत शानदार हो रहा है। एक बार हम BSE की बात करेंगे, 99,24,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 51,31,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 51.70%, यानी 50% से ज़्यादा डिलीवरी बेस काम हो रहा है, मतलब वैल्यूबल बाइंग हो रही है और यहाँ से बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ी की संभावना बन रही है। NSE की बात कर लेते हैं, 8,13,73,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 3,02,04,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 37.12%। तो बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी मात्रा में कामकाज हो रहा है, वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक महीने के वॉल्यूम को एक बार एनालिस कर लेते हैं, तो एक महीने पहले इसका 2 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम था, गुरुवार को काफ़ी कम वॉल्यूम हो चुका था, सिर्फ 86 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन फ्राइडे को ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है और 9 करोड़ के आसपास पहुंच गया वॉल्यूम। इसका मतलब इसमें अब वही तेज़ी बनने वाली है जो पिछली बार बनी थी, यहाँ से ज़्यादा संभावना बन रही है। उस समय भी वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो चुकी थी और ऐसा ही इसमें होने लगा है, तो हो सकता है सोमवारों में इसमें और वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो जाए और हमारे बाजार के टॉप 5 में ये आ जाए स्टॉक। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा संभावना दिख रही है, यहाँ से अब आपको इसमें निवेश बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि डिविडेंड भी देने की घोषणा की गई है कंपनी की तरफ से। बोर्ड मीटिंग में कहा गया है कि हम डिविडेंड को भी डिक्लेयर करेंगे और 15 मई को रिजल्ट भी आएगा और रिजल्ट इस बार डेफिनेटली पॉजिटिव आने की संभावना बन रही है क्योंकि कंपनी एक्सपोर्ट का काम भी करती है और अच्छे से टेक्सटाइल उद्योग को काम भी मिला इस बार। हो सकता है कोरोना की वजह से थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है कारोबार पे, लेकिन फिर भी जिस तरह से कंपनी डाइवर्सिफाई बिजनेस कर रही है तो हमें इतनी ज़्यादा इसमें गिरावट की संभावना नहीं दिख रही है। रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है, पिछली बार से थोड़ा अच्छा भी आ सकता है ऐसी हमें संभावना दिख रही है, जो बहुत ज़्यादा हमें वेलकम करने वाला लगेगा रिजल्ट। अगर पिछली बार से थोड़ा भी अगर बढ़ के रिजल्ट आता है तो ये बहुत ही बड़ी पॉजिटिव बात हो जाती है।
रहती है ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए। एक बार इसकी परफॉर्मेंस की फ्रेंड बात कर लेते हैं, 10.19% दूर है अपने 52 वीक से, यानी अपने 52 वीक से सिर्फ ये 10% ही दूर है अभी, और पिछले एक महीने में 10.11% की तेजी बनी है। तो पिछले एक महीने में इसमें तेजी नहीं थी, लेकिन एक दिन के अंदर ही शानदार इसने तेजी दिखाई है और ये 10% की तेजी इसकी दिख रही है एक महीने के अंदर। लेकिन इस दौरान निफ्टी 50 में सिर्फ 0.03% की तेजी बनी है, तो बहुत ही शानदार निफ्टी के सामने इसमें तेजी बनी है और टेक्निकल लेवल भी बहुत ही ज़्यादा बुलिश बन रहे। तो एक बार हम डेली लेवल पर चेक कर लेते हैं, मूविंग एवरेजेस बुलिश बन रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर भी बुलिश बन रहा है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर न्यूट्रल बन रहा है। अब एक बार वीकली लेवल की बात कर लेते हैं, तो मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर भी बुलिश बन रहे और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर भी बुलिश बन रहे, मतलब आने वाले सप्ताह तक इसमें तेजी की ही संभावना दिख रही है। अब बात करेंगे इसके मंथली लेवल की, तो मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर भी बुलिश बन रहा है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर भी बुलिश बन रहा है, मतलब पूरे महीने तक इसमें तेजी जारी रह सकती है और एक तरफा तेजी में ये स्टॉक 20 के पार भी जाने की संभावना बन सकती है। तो फ्रेंड्स, इस समय बिल्कुल आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैं आपको लगातार बोलता हूँ ये सबसे शानदार स्टॉक है, क्योंकि कंपनी जिस तरह से कारोबार करती है, वो कारोबार करने का तरीका और मैनेजमेंट जिस तरह से ईमानदारी से काम कर रही है और देश के प्रति अपनी देशभक्ति की भावनाएं जगाती है, क्योंकि कंपनी हमेशा पर्यावरण की रक्षा करने के लिए काम करती है, किसी भी तरह से उनके कारोबार के द्वारा देश को और प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचे उसकी पूरी की पूरी कोशिश करते हैं वो, और हर प्रोडक्ट को रीयूज करते हैं, यानी जो भी किसी चीज़ को उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, चाहे वो वाटर हो या फिर कोई भी कंपनी से निकलने वाला वेस्ट हो, उसको फिर से रीयूज करते हैं। ये सबसे बड़ी इनकी एक खूबी है इस कंपनी की, जो इसे दूसरी कंपनियों से अलग साबित करती है। और दूसरी बात, जो इसके प्रोडक्ट है उनकी फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ही शानदार मार्केट है और लगातार अच्छे पैटर्न हासिल कर रहे हैं और बहुत सारे ग्लोबल अवार्ड भी मिल रहे हैं। तो इस तरह की कंपनियां बहुत कम होती है, तो निवेश के लिए ऐसी कंपनी में तो हमें निवेश करना ही चाहिए। आने वाले समय में हमें ये मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है आराम से स्टॉक, क्योंकि इसकी ऐसी इसमें सारी संभावना है और लगातार डिविडेंड बांटने वाली कंपनी है, लगातार प्रॉफिट में रहने वाली कंपनी है। फ्रेंड्स, एक बार हम इसके पिवट लेवल को देख लेते कि फिलहाल क्या संभावना बन रही है बाजार की। मैं अगर संभावना गिरावट की बन सकती है इस कोरोना काल में तो कुछ कह नहीं सकते। तो फ्रेंड, अगर गिरावट होती है तो पहले फर्स्ट सपोर्ट इसका 12.87 का है, स्टॉक अगर उसे भी नीचे गिरेगा तो फिर 11.93 तक जा सकता है, और अगर बाजार में भयंकर गिरावट होती है तो फिर 10.77 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर अब तेजी बनेगी तो कहां तक दौड़ेगा, तो जो पहला फ्रेंड टारगेट है वो है 14.97 का, जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। सेकंड इसका टारगेट है 16.13 का, यानी 16-13 तक ये जा सकता है, और थर्ड टारगेट है 17.07 का। तो बहुत जल्द यानी सप्ताह भर के अंदर ये 17 के आसपास तक ये पहुँच सकता है, तो खरीदारी के लिए बिल्कुल ये सही समय है। फ्रेंड, सबसे बड़ी बात, इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है बहुत ही शानदार है, जबरदस्त, जिससे हमें भरोसा बैठता है कंपनी के ऊपर। प्रमोटर होल्डिंग ने अभी इसमें बढ़ाई नहीं है, पिछली बार दो बार उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था और इन्होंने अभी तक अपनी होल्डिंग 73.02 तक ले आए, यानी आपको पता ही है 75% हाईएस्ट है, इसके ऊपर तो होल्डिंग प्रमोटर बढ़ा नहीं सकते, तो बिल्कुल अपनी हाईएस्ट होल्डिंग के आसपास ये पहुँच चुके हैं। म्यूचुअल फंड ने भी होल्डिंग को नहीं घटाया ना बढ़ाया, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है क्वार्टर 3 के दरमियान और क्वार्टर 4 के दरमियान म्यूचुअल फंड ने प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी मात्रा में की है, सारे के सारे सेक्टर में उनकी होल्डिंग घटी है, लेकिन ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर उन्होंने होल्डिंग को नहीं घटाया, जो उनकी होल्डिंग थी 0.01% की वो कायम है, तो एक बहुत अच्छी ये भी बात है। और सबसे बड़ी जो बात है वो FII ने विश्वास किया ट्राइडेंट लिमिटेड पे, उन्होंने होल्डिंग को बढ़ा दिया, यानी 1.61% ही उसको बढ़ा के 1.68% किया है, जो एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव सिग्नल है। विदेशी संस्थागत निवेशक क्वार्टर फोर में भरोसा कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के ऊपर। और फ्रेंड, सबसे बड़ी बात, हमारे जो बड़े फंड हाउस है जिनको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, उन्होंने अपनी होल्डिंग थी जो 2.54% उसको बढ़ा के 2.61% कर दिया है। तो फ्रेंड, सबसे बड़ी बात ये है, जब हमारे बड़े फंड हाउस इंडिया के इस पर भरोसा करते हैं, साथ में FII ने भी इसके ऊपर अपना भरोसा कायम रखा है, वो भी इसमें अपना निवेश बढ़ा रहे, और सबसे बड़ी बात म्यूचुअल फंड जिसमें दूसरे कम सेक्टर के अंदर से उन्होंने होल्डिंग घटा ली है, वहाँ पर इन्होंने अपनी होल्डिंग को कायम रखा, तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है जिसे समझ में आ रही है कि सारे के सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड पे। तो इस समय आपको इससे अच्छा स्टॉक नहीं मिल सकता बाजार में जिस पर निवेश किया जा सकता है और बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है, उसमें गिरावट की संभावना काफ़ी कम है और इस लेवल पे जो प्राइस है वो काफ़ी बढ़ सकती है। और जैसे ही इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा फ्रेंड्स, और डिविडेंड भी आपको मिलेगा, तो इस समय अगर आप निवेश करते हो तो आपको डिविडेंड का फायदा मिलेगा। दूसरी बात, रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर होगा तो इसमें तेजी मेरे हिसाब से और बढ़ सकती है और प्राइस इसकी 20 के पार जा सकती है। और मैंने जैसे आपको पहले भी बोला है, अगर आप 2 साल का नजरिया लेकर चलते हो ट्राइडेंट लिमिटेड में, तो डेफिनेटली इसकी प्राइस 3 डिजिट में जाएगी, यानी 100+ इसकी प्राइस हो सकती है और बिल्कुल होगी। तो आप इस समय इसमें निवेश करें, आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखें, बाजार में दोनों तरफ का दौर चल रहा है, गिरावट भी भयंकर हो सकती है, तो बड़ी गिरावट अगर होती है तो प्राइस
सबकी गिरती है, तो उस समय निवेश आपको थोड़ा थोड़ा करके इस समय करना चाहिए, पूरा निवेश न करें। तो जिस समय अगर आप इस लेवल पे अगर 15 के आसपास एंट्री करते हो और बड़ी बाजार में गिरावट हो जाती है भयंकर, तो आपको निचले लेवल से भी खरीदारी का मौका मिलता है, तो आपका एवरेज नीचे हो जाता है। तो इस समय थोड़ी थोड़ी खरीदारी आपको करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या फ्रेंड्स अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।